अजी क्या नाम है, कहां से आए हैं? विजेंद्र नाम है जी, खरेटी से आए हैं। हमारे यहाँ पूरा ब्लॉक में लखरमाजरा में एक तारीख को ओलावृष्टि और बारिश ने फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसमें खाने का अनाज अनाज नहीं है, पशुओं का चारा भी नहीं बचा है। और हमारी पोर्टल पर कोई शिकायत लिखता नहीं है। आड़े आए हैं तो आड़े भी डीसी मिलने के लिए गेट नहीं खोल रही है पुलिस, और वहाँ जावा हाँ बीमा कंपनियों के पास वो बगैर पैसे लिए किसी की शिकायत लिख नहीं रहे हैं। वो एक बार कह दे हैं एक बार 25% नुकसान है, 25 से किसी का भी वो नहीं है, सबका 100 का 100 नुकसान हो रहा है। बिल्कुल काली फसल हो गई है, दुर्गंध उठने लग गई है, अभी भी कई जगह तो बर्फ जमी हुई पड़ी है। चाहे आप मीडिया के साथी चल कर देख सकते हैं, जो खेतों में एक आधी जगह तो इतने ओले पड़े हैं, अगर बड़े बड़े वृक्ष के भी पत्ते नहीं बचे हैं। सरकार कर रही है कि अपने आप ऑनलाइन करते हैं? सरकार नहीं कर रही है, उस पर हम जाते हैं तो उस पर ये लिखा आता है आपके गांव में फसल खराब नहीं हुई है। उस पोर्टल पर एक बात और बताओ जी, जो छोटा छोटा जमींदार है जो एक एक दो दो किला की खेती करता है, वो इतने गेहूँ उगाता है कि वह अपना घर का काम चल जाए। जिसको नहीं बेचना वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, उसको कहाँ से मुआवजा मिलेगा ये बता दो। आप पोर्टल पर जाते हैं तो ये कहते हैं भाई हम ये चाहते हैं अग भाई जो किसान का खर्चा लग रहा है और उस खर्चे को देख कर कुछ उसका आगे भूसा का अनाज का इंतजाम हो जाए। 15,000 में किसान का काम नहीं चलेगा, कम से कम 50,000 मुआवजा दोगे जब चाहे किसान का गुजारा, क्योंकि ठेके वाले तो अब अप्रैल का महीना आ गया है, पैसे के लिए तगाजा कर देंगे। हजारों किसान इकट्ठे हुए, 1.5 घंटे तक रोड जाम रहे, प्रशासन दरवाजा। यह प्रशासन की कमी है, गलती है। हमने आदमी जो है प्रशासन से बात करी, डीसी से बात करी और वो उठ के चाल के लोगों के बीच में आ गए और सारे भीतर बुला लिए। पहले न्यूज हाउस 11 आदमी 5 आदमी बुलाओ और बात करो, मैं सारे के बीच में बात करो, जाके 11 आदमी ना उन सारा संतुष्ट कर सकते, ना अपनी बात ठीक ढंग से रख सकते। सारे बैठे हैं, सबके सामने जा करके अपनी बात करो और वो बात हुई। प्रशासनिक भवन जो जनता के लिए होते हैं, आम जनता वहाँ शिकायत ले गए, लेकिन आम जनता ताला बंद कर देते, पुलिस खड़ी कर देते, ये क्या मन से? हमने तो अंदर खुलवा दिया, वह बेरा निकित बंद था क्यों कर था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग आए हैं तो दुखी लोग आओगे, आड़े सुखी नहीं आवे। कोई न कोई दिक्कत होगी, खेती की है, बाड़ी की है, कोई और दूसरे काम की है, जो समस्या है उनको लेकर के यहाँ आते हैं और उनको बाहर रोक करके मतलब एक कैदियों की तरफ से तरह से बाहर खड़े कर देना और प्रशासन घंटों तक इंतजार करवा, वो अच्छी बात नहीं है। प्रशासन ने तुरंत आकर के डीसी आए, एसडीएम आए, सिटी मजिस्ट्रेट आए, लोगों की बात सुननी चाहिए और तुरंत उसके ऊपर प्रभावकारी अपना निर्णय लेना चाहिए। सरकार दावा कर रही है कि हमने जो पोर्टल है खोल दिए और किसानों को मुआवजा हर हाल में मिला, लेकिन आज तक पोर्टल जो वो खुले नहीं है, ये क्या लग रहा है? नहीं, इस ये 500-700 आदमी बैठे थे हरसे में, इनमें 2-4 ने तो इस पोर्टल का बेरा होगा ना, किसी ने बेरा है? कौन है? मन्ने नहीं बेरा आज तक। पोर्टल सौदा के हैं, ये खाम खां की बकवास की बातें। पोर्टल शोल्टर हर फूट पर एक एक इंच पर जा करके खुद ही ने सर्वे करना चाहिए और उसके हिसाब से जो रिपोर्ट मैदानी रिपोर्ट है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई लोगों को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पारदर्शिता काम हो इसलिए हमने पोर्टल बनाया। मुख्यमंत्री जी ने सारा सत्यानाश करके धर दिया। कोई सिस्टम है किसी चीज का? आज किसी तरह का कानून व्यवस्था नहीं, बेरोजगारी हद हो रही है, महंगाई का ओढ़ नहीं। आज जो है ना किसान 6 महीने इंतजार करके आज बर्बाद होकर खड़ा हो गया इन बातों में आकर के, और दूसरी चीजों में जो ना ये सरकार उड़ी हुई है सारी तरह। अधिकारियों से मिले क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन यही है जो हमने मैंने ये कहा था, लोगों के सामने करो जो बात करनी है, जो बात करी है डी साहब ने वो आप सबके सामने आप लोग भी सुन रहे थे। इसमें किसान पहुंचे मांग को लेकर, लेकिन प्रशासन का दावा है कि तो गिरदावरी की जा रही है, इन लोगों का आरोप है कि गिरदावरी नहीं हो रही, क्या मंसूर? अभी तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है। प्रशासन ने एक दो गांव में अधिकारियों को भेजा, पटवारी वगैरह को, गिरदावरी शुरू नहीं हुई है। उसके लिए आज अभी डीसी रोहतक ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द जो है ना मैनुअली इस कार्रवाई को करवा कर और इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। किसानों की मांग है 50,000 से कम मुआवजा नहीं होना चाहिए। आज फसल तैयार थी, उसके खेत घर में आने वाली थी, तो आज तैयार फसल उस किसान के अरमान, किसी ने अपना कर्ज उतारना था, किसी ने अपना मकान बनाना था, किसी ने अपने बच्चों की शादियाँ करनी थी, आज वो कित व्याथा से एक परेशान उसमें है, दौर से गुजर रहा है।
तो किसान के साथ में न्याय करते हुए सरकार को कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा और एक हफ्ते के अंदर गिरदावरी करके एक महीने की अप्रैल महीने के अंदर मुआवजा देने का काम करना चाहिए, उसके लिए आए थे। और मैं परसों किसान जो थे लघु सचिवालय के बाहर बैठे थे, पुलिस ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, क्या मंशा थी आम जनता की शिकायत सुनने के लिए जो प्रशासनिक? उसके बाद आगे अंदर भी बुलाया ना, फिर आगे उसके बाद आगे ने बोलने के बाद में किसानों को कैसे रोक सकते हैं, किसान को हाउ उलट और यहाँ वो करने थोड़े ना आए थे तोड़फोड़ करने, ये अपने हक अपने मांग को लेकर डीसी रोहतक से मिलने के लिए आए थे। यही लोकतंत्र की हत्या है, आज जिस प्रकार का रवैया ऐसा नहीं, लेकिन आपने ऊपर जाने के बाद डीसी से बात करने के बाद गेट खुलवाकर अंदर बुलाने का काम क्या बात हुई डीसी साहब से, कब तक? डीसी साहब ने यही आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर हम जो है ना मैक्सिमम 15 तारीख तक इस सारे काम को कंप्लीट करेंगे और जो जो इसमें समस्याएं थी उससे अवगत कराया है, उसको रेक्टिफाई करा के ये पोर्टल की जो बार बार परेशानी जो इनके दिमाग में टेंशन थी क्षतिपूर्ति पोर्टल जो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है वो नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनुअली हर गिरदावरी करा के उस नुकसान को जो है ना पूरा करने का करवाने का। 2022 का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला, 2023 की ओर मारोगे उम्मीद है अधिकारियों से 2022? देखिए हम अपना प्रयास करेंगे और इन किसानों की इनकी आवाज को जल्दी बहरी सरकार तक पहुंचाना और उसकी लड़ाई लड़ना यही मेरा कर्तव्य बनता है। मैं परसों मुख्यमंत्री के पास इनको लेके चंडीगढ़ उनसे मिलने के लिए भी जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पोर्टल चला दिया और सबको, ये तो पोर्टल नहीं चलाया, ये तो आपने देखा होगा अभी सबके बीच में डीसी रोहतक ने कबूल किया है कि अभी नहीं चला कल तक चल जाएंगे, तो इस प्रकार की झूठों से बचना चाहिए। यही आज विडंबना है कि एक प्रदेश का मुखिया इस प्रकार सरेआम झूठ बोलता है, आज प्रदेश के लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है, लेकिन फिर भी हम उनको जगाने के लिए और उनको वो करने के लिए अपने किसान के लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको उसका हक दिलाने का काम। आपने कई गांवों का दौरा किया था जी, देखो एक ये बेल्ट है, बीच की बेल्ट है, ये टिटोली से और इसके बीच में सुंदरपुर के बीच में और ये सामने गिरावड़ होते हुए खरेटी चलेगी वैसी तक ये टटोली के बीच में, ये पूरी बेल्ट में तो 100% नुकसान है। मुख्यमंत्री क्या मनसा है, वो किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि हमने पोर्टल चलवा दिया, क्या मनसा लग रही है आपको? ये मनसा का जो है ना, इस मनसा का रिजल्ट आने वाले समय में 2024 में प्रदेश की जनता उनको देगी, आप बता देंगे। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।